आईपीएल 2022 के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली केकेआर को सीजन में अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में से 2 में जीत हासिल हुई है, जबकि टीम को 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा। 2 मैच में मिली जीत के साथ ही केकेआर पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स के बाद दूसरे पायदान पर है। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मुंबई के खिलाफ जीत हासिल करके एक बार फिर पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर काबिज होने की कोशिश करेगी। केकेआर की पारी का आगाज एक बार फिर वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी करेगी। पिछले सीजन में टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले वेंकटेश अय्यर अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। ऐसे में वो जब पारी का आगाज करने उतरेंगे तो थोड़ा दबाव में होंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर 3 नंबर और नीतीश राणा चौथे पायदान पर बल्लेबाजी करेंगे। राणा भी इस बार अब तक बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं। 5वें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज सेल्डन जैक्सन आएंगे, तो वहीं 6ठे नंबर पर एक बार फिर बल्लेबाजी करने आंद्रे रसेल उतरेंगे, जिन्होंने पिछले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ आतिशी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी। तो वहीं 7वें पायदान पर बल्लेबाजी करने सुनील नरेन उतरेंगे। केकेआर की गेंदबाजी की कमान एक बार फिर फॉर्म में चल रहे उमेश यादव संभालेंगे। उनका साथ टीम साउदी और पैट कमिंस देंगे, जिन्हें पहली बार सीजन में खेलने का मौका मिलेगा। वहीं स्पिन अटैक की जिम्मेदारी संभालेंगे सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती। गेंदबाजी तो केकेआर की एक बार फिर मजबूत दिख रही है। बल्लेबाज अगर चमके तो केकेआर मुंबई को आसानी से पटखनी दे सकती है।